अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे बहन भाई बच्चे, अल्लाह ताला के फजल और करम से अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ दें, आमीन सुम आमीन। ये पीछे आवाज़ें आ रही हैं गली में, इसको इग्नोर करना। और आज फिर हम जा रहे हैं वैक्स करने। मैंने वैक्स बनाई थी और मैं ये डाल रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखें, ये वैक्स मैंने जो बनाई है ये, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने बनाई है और डाल रही हूँ। और मैं वैक्स के लिए जा रही हूँ, और रास्ते में मुझे कुछ भी अच्छा लगेगा मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। देखो अस्पताल के बाहर ना दरख्त लगे हुए ना, तो चिड़ियाँ जो है ना चें चें करती भी अपने अपने घोंसले में, जानवर भी बेचारे परिंदे अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। एक घर जो है ना, इंसान का घर ही तो होता है कीमती इंसान के लिए। जैसे अब डीडी साहब ने किया है अपनी बेगम के साथ, अच्छा तो नहीं किया ना, इसको तो जो है ना छितर पड़ने चाहिए। ये तो बहुत ही खबीस बंदा निकला है। वो आयशा बेचारी को भी छोड़ दिया, उसका भी एक बच्चा समझ लो रुल गया ना, अब बाप ने भी छोड़ दिया है। और ये फातिमा, ये आप सुन रहे हैं जानवर, मैं अस्पताल से निकली हूँ ना, तो बाहर अस्पताल के ना वो है दरख्त है सारे, तो सीधे रास्ते से जा रही हूँ गेट की तरफ, और वो जो है ना चिड़ियाँ चें 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 कर रही हैं। सब चीज़ समझो, जो भी परिंदे होते हैं ना वो अपने अपने घोंसले ढूंढ रहे होते हैं, अपने अपने बच्चे ढूंढ रहे होते हैं, घोंसलों में बच्चे डाल के दिन भर निकले हुए होते हैं। और ये देखें, इस वक्त मगरिब हो गई है, तो मगरिब के टाइम पे ये किस तरह वो कर रहे हैं अपना। और ये भी बेचारे मुसाफिर अस्पताल में आए हुए हैं, ये देखें पूरा ये गरीबों का अस्पताल है, इसमें ना सब मुसाफिर हैं। तो वो जो है ना, मैं ये कह रही, हाँ ये लोग ना प्लानिंग के साथ गए हुए थे, उनकी प्लानिंग थी कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और जाके वो बीना ने जो है ना शॉपिंगें कराई हैं, नैना ने भी कराई हैं, ठीक ठाक शॉपिंग है। नैना और ये बीना और ये सब मिले हुए थे, बीना तो शादी में भी शामिल थी भाई, उसकी बीना की भतीजी लगती है जिस पे उसने सौकन डाल दी। अभी ये लोग ना इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। वो बेचारी बच्चों के साथ कहाँ समझो भटकेगी, जाहिर है वो तो अभी भी कह रही है मुझे उससे मोहब्बत है, मोहब्बत है, एक तरफ की मोहब्बत थोड़ी होती है पागल। तो उसको जो है ना सही का बंद करा जेल में, ऐसे बंदे को जेल में बंद करा देना चाहिए, ये बहुत ही ख़राबी की है इन्होंने। और नैना साहबा भी सब मिली हुई थी, ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करा के अपने भाई की खुशियों में शरीक थी। अल्लाह जाने इनको फातिमा से क्या वायर था, आशा से भी था, आशा भी ख़त्म हो गई शादी, अब ये फातिमा भी अच्छी नहीं लगी इनको। अब वो जो औरत आई है उसको भी नहीं सोचना चाहिए, वो बेटी की माँ है, खुद बेटी की माँ है, उसकी खुद जवान बेटी होने वाली है, और उसने कैसे कर लिया ऐसे किसी औरत का घर तोड़ दिया, हंसता बसता बच्चों वाला, बददुआ नहीं लगेगी उसको। कितने खबीस लोग हैं ये, कमीने लोग हैं, कुछ कह नहीं सकता बंदा।
तो बस जी आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आज तो ये फातिमा के मियाँ पे बड़ा ही गुस्सा आया हुआ है, दीदी साहब पे। तो बस मैं इधर आई थी अस्पताल में, मुझे बुखार हो रहा था 2-3 दिन से। तो बस अब फिर मैं घर की तरफ जा रही हूँ, मैं काम से निकली थी, वहाँ से मैं अस्पताल चली गई, अस्पताल से अब मैं घर की तरफ।